एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ तेरे शहीद हो गए। नमस्कार दोस्तों, आगरा के मदनपुर खांदोली गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान शिव कुमार लेह लद्दाख में शहीद हो गए। देश की रक्षा में तैनात शिव कुमार आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए हैं। आगरा के मदनपुर खांदोली गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान शिव कुमार इन दिनों लेह लद्दाख में तैनात थे। देश की रक्षा में तैनात शिव कुमार अपनी ड्यूटी निभाते हुए लेह लद्दाख में शहीद हो गए। जवान के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके गांव परिजनों में लगी तो गांव में मातम छा गया। पूरे गांव के लोगों की आंखें नम है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उन्हें अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व भी है कि देश की सेवा करते हुए उनके बेटे ने अपनी जान दे दी। सही जवान शिव कुमार का पार्थिव शरीर आज दोपहर 4 बजे आगरा एयरपोर्ट पर आ जाएगा। इसके बाद तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। उनके अंतिम दर्शनों के लिए गांव में भीड़ बढ़ती जा रही है। उनके आने पर बड़ी सबरी से उनका इंतजार किया जा रहा है। भारत माता के वीर सपूत शहीद जवान शिव कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी शिव कुमार जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कि आंखों से आंसू की धारा रुकती नहीं है, रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिलिए, एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरासी गई हो वो आंखें। कभी कोई छंद भर याद भर भी दिला दे उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर मां का कलेजा फट सा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।